हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो क्या आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे? और मैं बना रही हूँ अभी, ये देखिए, ये है पत्ता गोभी और सेमी की सब्जी, जो काफी ज्यादा टेस्टी और अच्छा लगता है ये। और अरे देखिए, इसमें मैं भाटा भी डाल दूँगी दोस्तों, एक आध का भाटा भी डालूँगी। और ये है सेम और पत्ते पत्ता गोभी की सब्जी। और इधर मेरा खाना भी बन रहा है। और देखिए, इधर नीचे में मेरा दाल भी बन रहा है, मतलब तीनों सामान एक साथ बन रहा है, दाल भात और सब्जी। और दोस्तों, इसमें मैं डाल देती हूँ एक बैंगन। ये थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, तो इसलिए मैं पहले पका दी हूँ, उसके बाद मैं काट कर इसमें डालूंगी बैगन। ये देखिए, और इधर मेरा चावल बनने ही वाला है दोस्तों, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों, मैं बैगन काट ली हूँ, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, खाना पूरी तरह से बन चुका है। अब मैं इसका मांड निकालूंगी, इसको बंद कर देती हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से बन गया है ये, इसका मैं मांड निकाल लूंगी। और ये देखिए दोस्तों, इसमें टमाटर डालने के लिए हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें इतना सा टमाटर, चार टमाटर डालूंगी मैं। इसको दो बार धोकर लाई हूँ, ये चौथी बार है, तो मैं इसको हाथ से ही ऐसे डाल देती हूँ। इसको ढकूंगी तो ये वैसे ही पक जाता है। और मैं इसमें टमाटर डाल दी दोस्तों। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, मिर्च, और लास्ट में डालूंगी धनिया का बीज। धनिया का बीज आता है ना, उसको पीस कर डालूंगी मैं, हरा धनिया का। डाल देती हूँ दोस्तों, इसमें मैं मिर्ची डाल देती हूँ। हल्दी का डिब्बा मिल नहीं रहा है, लेकिन अपने ये भरा वाला जो डिब्बा है ना, देख ली कितना सारा भरा है, इसमें कमाई ले रही हूँ, वो तो मुझे नहीं मिला। मैं अभी मैं उसको दाल में डाली हूँ, उस वाले डिब्बे का लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, कि कहीं पर मैं रख डाली। और
इतना यम्मी और हेल्दी सब्जी बन गया। तो मतलब मिक्स सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खास करके ठंडी के मौसम में। अभी तो ठंडी जा रही है, लेकिन फिर धीरे मार्च तक तो इस टाइप का सब्जी खा ही सकते हैं। अभी तो दाल की सीटी बच गई थी दोस्तों, और ये रहा दोस्तों धनिया घर का है फ्रेश वाला, मैं इसको लाई थी फ्रिज में रख दी हूँ। ये देखिए जिसका छोटा छोटा बीज है, छोटा छोटा बीज वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट होता है इसका, टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़ा बीज है थोड़ा ना हो जाता है ना, और अच्छे से पीसता भी नहीं है। तो ये मैं छोटा वाला, इसमें फूल भी हैं और पत्तियाँ भी हैं, तो मैं इसमें इसको डालूँगी पीस कर। तो चलिए मैं इसको तोड़ लेती हूँ, तोड़ कर फिर इसको मिक्सी में मैं पीस डालूँगी। तब तक के लिए ये बन रहा है। क्या बना रहा बेटा? मेरा बेटा निश्चल आ गया स्कूल से, क्या बना रहा है तू? मैं भात भरी। कैसे बनाते हैं बता इसको, इसको कम करना, जल जाएगा नहीं तो कम नहीं करना। जलेगा, गर्म ही नहीं हुआ है तेल अभी, लेकिन हम मैं टेस्टिंग के लिए डाल दिया था उसमें। नहीं जलेगा वो, नहीं जलेगा। अरे मत करो ना, इस पीछे पीछे अच्छा प्लेट लाया नहीं है, मैं तेरे लिए प्लेट ला देती हूँ। मैं इसमें डालूंगा ना, इसमें येलो वाला, इसमें 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 मत डाल, ये प्लास्टिक है। रुक अच्छा, जल्दी करना तो जल जाएगा। चल 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 बाकी से बोला। अरे देखिए थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लगता है खाने में ये, जब भी खाना बच जाता है ना, ये रेसिपी है उसके लिए। जब भी खाना बन जा मतलब बचता है, खाने के बाद जो खाना बचता है उसको मैं ऐसे ही सुखा देती हूँ, नमक मिर्ची हल्दी डालकर और धनिया डालकर, और ऐसे ही 4-5 दिन में सूख जाता है दोस्तों। उसके बाद ये ऐसी इसका बड़ी बना देती हूँ। और तेल डाल रहे उसमें तो? ज़्यादा मत तेल डाल उसमें। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगता है। पोंगी नहीं बेटा, ख़त्म हो गई है। दिखा एक मेरे को दिखा। अरे गरम है, क्या खाओगे अभी? उसमें डाल, ये देख रुक ना दिखा ना, ये देख इस टाइप से रहता है ये बड़ी। अरे देखिए दोस्तों सब्जी का अच्छा से बन गया है, सब कुछ डाल दी मैं इसमें, हरा धनिया का भी सभी कुछ डाल दी हूँ। हरी हरी देखिए कितने अच्छे से ये बन रहा है, फूल रहा है। अब निकाल उसको, निकाल निकाल निकाल, धीरे से निकाल, धीरे से निकाल, दे मैं निकाल देती हूँ, छोड़ ना मैं निकाल देती हूँ, छोड़ ना इसको, ऐसे निकाल दी। देख हंडक्स हंडक्स, दे दे मेरे को दे। बना लिया सबको? नहीं, और ये देखिए दोस्तों बन कर रेडी हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा जला डाला है, हल्का सा पंखा तो इस टाइप से दिखना चाहिए, हटा तो इस टाइप से दिखना चाहिए था, लेकिन हल्का सा, लेकिन अच्छा दिख रहा है। कितना क्रंची है बता? ठीक है, पंखा चालू करना। हाँ गर्मी लगा है।
सोच रही थी दोस्तों इसको मैं सूखा बनाऊंगी, लेकिन मैं इसमें पानी डालती हूँ हल्का सा। और ये देखिए मेरा जो धनिया था ना, उसको मैं पीस ली हूँ। अब इसका रस्सा में बहुत टेस्ट आएगा इसका। देखिए पूरा गंदा हो गया सब कुछ बनाते बनाते, इधर वो छान दिया है, आधा छोड़ दिया है इसमें, और पूरा पानी पानी का डाला है, कचड़ा कचड़ा हो गया। देखिए सब तरफ, सबको फिर से पोंछूंगी, एक बार सबको अच्छे से साफ की थी, फिर से वैसी के वैसी हो गया। कुछ भी बनाओ गैस में तो ऐसी होता है। और इस टाइप से दोस्तों धनिया का बीज, हरा धनिया का बीजा वाला सब्जी किसको किसको पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठंडी के दिनों में मैं धनिया बीज का ही यूज़ करती हूँ, हरा धनिया का। और ये देखिए दोस्तों मेरा चावल और सब्जी बनकर रेडी हो गया है। मैं दाल नहीं निकाली हूँ क्योंकि दाल मुझे पसंद नहीं है ऐसी सब्जियों के साथ में। देख कितना सारा सब्जी, इतना सारा खाना, सुबह से मैं कुछ नहीं खाई थी, अभी दोपहर का खाई। और आपके पास होने आपको किसी को नहीं पता, आपको पता है कि मुझे उसका आपका फोन का पासवर्ड पता लगे, राइट? क्योंकि ब्राइटनेस में आज चलो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, राइट? इमेजिन करो कि आप अपना पासवर्ड इसमें टाइप कर रहे, जस्ट इमेजिन करो। दोस्तों खाना पीना हो गया, मैं खाना पीना खा ली अपना खाना वाला। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।